अगर आप युवा हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो आप अक्सर क्या करते होंगे, वैकेंसी की डिटेल चेक करते रहते होंगे, भाई यहाँ पर वैकेंसी आ गई तो मैं अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर वैकेंसी आ गई तो मैं अप्लाई कर दूँ। ऐसे में आप कई वेबसाइट का सहारा लेते होंगे और कई बार आप वीडियोज़ के जरिए भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते होंगे। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम टाइम पर और बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ कि भाई यहाँ पर वैकेंसी निकली है आप अप्लाई कर दीजिए, वहाँ पर वैकेंसी निकली है आप अप्लाई कर दीजिए। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम क्या करते हैं, हम आपके लिए सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट लेकर आते हैं और उसी सेगमेंट में हम नौकरी से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, सो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं NEHU यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में भर्ती के बारे में। यह भर्ती 10th पास के लिए है यानी कि LDC, MTS और इसके साथ ही दूसरे और पदों के लिए भी निकली है। सो चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, तीनों ही कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये भर्ती निकली है और बहुत अच्छा मौका है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें हम योग्यता से रिलेटेड, उम्र सीमा से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं NBT टिकट, सरकारी नौकरी वाला ये सेगमेंट। और आज इस सेगमेंट में बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में भर्ती के बारे में। ये भर्ती LDC, MTS जैसे कई पदों पर निकली है। ठीक है, सो अगर आपको अप्लाई करना है ना, सो आपको क्या करना होगा, सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर फॉर्म भर देना होगा। अब आप कहेंगे कि कौन सी वेबसाइट है, सो www.nehu.ac.in, यहाँ आपको जाना है और जाकर फॉर्म भर देना है। आपको ध्यान रखना है कि हर पद के लिए फॉर्म ना अलग से भरा जाएगा। ठीक है, चाहे आप LDC के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। लेकिन एक डेट जो है वो कॉमन है सभी पदों के लिए, वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये डेडलाइन है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत दिन से लगे हुए हैं ना, सो 2 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए। सो बात अगर योग्यता की हो ना, तो जाहिर सी बात है अगर पद अलग अलग है तो योग्यता और उम्र सीमा भी अलग अलग होगी। सो किसी पद के लिए 10th पास है योग्यता, किसी के लिए 12th पास है, किसी के लिए ग्रेजुएशन है। हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कई कई पदों पर ना एक्सपीरियंस की भी मांग की गई कि भाई इस पद पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो बेटर है कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है 2 दिसंबर से पहले फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते वक्त फीस भी भरनी है। फीस जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है और SC/ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। फीस अगर सबमिट आप नहीं करते हैं ना, तो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो सैलरी कितनी होने वाली है और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये आपको जानने के लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा और नोटिफिकेशन चेक करना होगा। अगर आपको ऐसी सरकारी नौकरी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर आप तैयारी में हैं और आपको करियर से रिलेटेड कुछ और भी जानना है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर हम एजुकेशन से रिलेटेड हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, करियर हो या फिर जनरल नॉलेज हो। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आऊंगी आपके सामने सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।